हेलो दोस्तों, एसिड कंपाउंडर एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेके आए हैं। आज का जो मेरा स्टॉक है वो है ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अबाउट द स्टॉक जानते हैं। ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। इट्स ऑफर अ वेल डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन थ्रू मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मतलब कि ये जो स्टॉक है ये इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और ये जो स्टॉक है ये वेरियस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है थ्रू डिफरेंट चैनल्स। इट वॉज स्टैब्लिश इन 2001 एज अ वीजे बिटवीन ICICI बैंक एंड फेयरफैक्स फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। ये जो स्टॉक है ये 2001 में स्टैब्लिश हुई है वीजे बिटवीन ICICI बैंक एंड फेयरफैक्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच में। ICICI हेल्ड 64% स्टेक एंड रेस्ट वॉज हेल्ड बाई वीजे पार्टनर। ICICI के पास 64 स्टेक हैं, जो रेस्ट बचे हुए हैं स्टेक है वो वीजे पार्टनर्स के पास है। फेयरफैक्स फाइनेंस एग्जिटेड इन 2019 बाई सेलिंग देयर रिमेनिंग 5% स्टेक इन द कंपनी फॉर 2600 करोड़। फेयरफैक्स जो फाइनेंस है उन्होंने क्या किया था, एग्जिट कर लिया 2019 में और जो भी अपना स्टेक था 5% का वो सेल कर दिया जो कि 2600 करोड़ का था। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कंपनी के बारे में। नेक्स्ट हम कंपनी के फंडामेंटल को जानते हैं। ये जो स्टॉक है इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1234 रुपीस पर शेयर चल रहा है। अब तक का जो हाई गया है वो गया है 1369। अब तक का जो लो गया है वो लो गया है 149 रुपीस। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 60,632 करोड़ का। जो पी रेशो है वो है 35.1। इस स्टॉक का जो ROC है वो है 21.2% का। नेट वर्थ है 10,433 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ जो 3 इयर्स में रहा है वो रहा है 15.8% का। इस स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो है 213 रुपीस का। ROE जो है वो है 17.6% का। EPS जो है वो है 35.2% का। सेल्स ग्रोथ रहा है 11.5% का। ROCE 7 ईयर में रहा है 23.4% का। डिविडेंड यील्ड मतलब जो अपने इन्वेस्टर को ये डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है 0.73% का। फेस वैल्यू इस स्टॉक का 10 है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में रहा है 20.9% का। ROE जो 7 ईयर्स में रहा है वो रहा है 18.4% का। ओवरऑल इस स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है। नेक्स्ट हम स्टॉक के ना प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं, स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। सबसे पहले हम प्रोस को जानते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब फ्री। कंपनी ने अपना डेब्ट जो है रिड्यूस कर दिया है, अब कंपनी डेट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.8%। कंपनी ने अपना हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 28.8% का। नेक्स्ट हम कंपनी के कॉन्स को जानते हैं। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज 995 करोड़ का। अर्निंग को इंक्लूड करके ना अदर इनकम जो है वो है 995 करोड़ का इंक्लूड हुआ है। उसके बाद जो प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स -7.8%। प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया है। दोस्तों, प्रोज एंड कॉन्स थे। नेक्स्ट हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों, इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है जून 2020 में थी वो 51.89 थी, जो कि अभी मार्च 2023 में 48.03 रहे। FII की जो होल्डिंग थी जून 2020 में वो 26.61% थी, जो कि मार्च 2023 में 22.85% है। DII की जो होल्डिंग जून 2020 में थी वो 14.03 थी, जो कि अभी मार्च 2023 17.23%। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जून 2000 था 7.47% का, जो कि मार्च 2023 में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट 11.73% का है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका गुड है। आप इस स्टॉक को ना अपने पोर्टफोलियो में एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस पिक कर सकते हैं। ये मेरा स्टॉक एनालिसिस था दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग इसे पिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।